क्यों बैकवर्ड पे हैं, हमें तो चाहिए बहाना कि जी आज वैलेंटाइंस डे आ गया वो मना लो, कल जो है ना वो फलाना डे आ गया वो मना लो, और जी मतलब हम इन चक्रों में पड़ गए। या आपकी ओपिनियन में पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस बिकॉज? नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं मनाना चाहिए, ये तो हमारे कल्चर में भी नहीं है, ठीक है, ऊपर से इस्लाम भी हमारा कहता है ये नहीं मनाना चाहिए। वेलकम टू उर्दू रिपब्लिक। नाज़रीन, 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये मौजू हमेशा ज़ेरे बहस रहा है कि आया पाकिस्तानियों को वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज मैं लाहौर की एक मार्केट में आई हूँ। यहाँ पर आए हुए लोगों से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? लारेब। अच्छा, वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं? आई थिंक मनाना चाहिए, इफ़ समबडी वांट्स टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन देन व्हाई नॉट। लोग पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा, जब वैलेंटाइन ज़्यादा है तो एक ब्लैक लैश आता है कि हमारा इवेंट नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, नहीं मनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, और अगर सेलिब्रेट कर रहा है कोई तो क्या उसको इतना क्रिटिसिज्म आना चाहिए? मुझे लगता है एज लॉन्ग एज कि आप किसी को हार्म नहीं कॉज क्रिएट कर रहे, तो मुझे लगता है कि हर एक को अलाउ होना चाहिए कि वो इसे सेलिब्रेट करना चाहता है तो कर ले, किसी भी रिलेशन में हो। एग्जैक्टली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? रानिया। अच्छा रानिया, ये बताओ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं? हमें मनाना चाहिए क्योंकि वैलेंटाइंस डे एक दिन है जहाँ पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हैं और उनसे प्यार करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मनाना चाहिए कि नहीं? हमें नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ये नहीं करते हैं। तो क्या जो दूसरे मुसलमान नहीं है लोग, वो मुसलमानों की ईद वगैरह नहीं मनाते? मना हिंदू भी तो मनाते हैं हमारी ईद। हिंदू मनाते हैं लेकिन हमारे रिलीजन में ये कहा हुआ है तो हमें अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए। अच्छा, और आपको क्या लगता है? यस, मनाना चाहिए, है ना? यस। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या लगता है आपको कि हमें वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए कि उसका हमारे साथ, हमारे जो कल्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बाहर के जो लोग हैं, ईद आती है हिंदू मुसलमान जहाँ पे इकट्ठे रहते हैं या फिर बाहर के लोग अंग्रेज़ इकट्ठे रहते हैं, वो आपके त्यौहार भी मनाते हैं, तो क्या हम उनके नहीं मना सकते? हम बिल्कुल, वो लोग हमारे मनाते होंगे लेकिन हम लोग नहीं मनाते। जो ऑनेस्टली हमारे रिलीजन को जानते हैं, इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बहुत सारे, इवन बर्थडे नहीं मनानी चाहिए क्योंकि हमारे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो बर्थडे नहीं मनाते थे। तो हम अगर इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारे बच्चे हैं वो यही सीखेंगे, वो हमारा जो हमारा दीन कहते हैं उसको छोड़ देंगे और वो इस तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ तो मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे, आपको पता है बड़ी सेल भी लगी हुई होती है और भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो कल्चर का पार्ट बन चुका है, आप किस तरह इसको निकालेंगे? असल में मैं खुद इंग्लैंड से बिलोंग करती हूँ, मैं आई हुई हूँ विजिट के लिए यहाँ पर, तो मैं हमारे बच्चे नहीं मनाते, हमारे बच्चे वहाँ नहीं मनाते, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि ये हमारा नहीं है, हम बहुत सारी बर्थडे पे भी नहीं जाते और ना उसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए पाकिस्तानियों को कि नहीं? मेरी ओपिनियन में पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस बिकॉज इट्स अगेंस्ट आवर नॉर्म्स इन द सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का और लड़की उसकी फ्रेंडशिप, बिकॉज आई सी वैलेंटाइन एज अ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय टू लव बर्ड्स। इट्स नॉट के माँ या माँ और बेटे का है, बेटी और माँ का है या बहन भाइयों का है, इट्स ऑल अबाउट टू लव बर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगेंस्ट द नॉर्म्स है ये, सो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस डे इन आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। नहीं मनाना चाहिए, क्यों बैकवर्ड पे हैं, हमें तो चाहिए बहाना कि जी आज वैलेंटाइंस डे आ गया वो मना लो, कल जो है ना वो फलाना डे आ गया वो मना लो, और जी मतलब हम इन चक्रों में पड़ गए, या खुद पड़ गए या उन लोगों ने हमें एडिक्ट कर दिया ड्यू टू सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट। तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने रोज़गार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। अपनी बीवी को आई लव यू बोलो वैलेंटाइंस डे करना है, तो अपनी मदर को आई लव यू बोलो अगर मदर डे करना है, अपने फादर को आई लव यू बोलो अगर फादर डे करना है। ये क्या बात हुई कि जी हम नवाज शरीफ और इमरान खान और पीटीआई और नून लीग के नामों पर तो हम दस्तों गिरेबा हो जाते हैं कि तुमने हमारे लीडर के नाम कैसे ले लिए।
वैलेंटाइंस डे करना है आपने, अगर खुश करना है अपने आप को, अपने लीडर को मानो, उनका डे मनाओ। आप जो है वो नबी पाक 14 फरवरी है तो उस दिन कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक है, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि मनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म ही नहीं है। हम अंग्रेज़ों के पीछे क्यों जाए? तो अंग्रेज़ों में भी जब मुसलमान हिंदू इकट्ठे रह रहे होते हैं तो ईद वगैरह वो हमारी मना लेते हैं साथ, तो ये त्यौहार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को मनाना चाहिए कि नहीं? देखें, ये हर मुसलमान का अपना अपना ज़हन है, ठीक है। नासिर, यहाँ पर आए हुए लोगों से हमने पूछा कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं, तो उनका ये कहना था ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ है, उन्हें लगता है कि वैलेंटाइंस डे पाकिस्तानियों को या फिर मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमें इस तरह के भी मिले जिन्हें ये लगता है कि खुशियाँ, मोहब्बत या फिर अगर इस तरह के दिन मनाने से उनको कुछ पल की खुशी मिलती है तो इस तरह के दिन उनको ज़रूर मनाने चाहिए। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल उर्दू रिपब्लिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अलाने के बाद